Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi, hope you all are doing well. So, यहाँ पर हम लोग अर्बन लाइवलीहुड से रिस्पेक्टिव चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, तो इसी को हम लोग आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्लास सिक्स पॉलिटिक्स, और जिस बुक को रेफर कर रहे हैं दैट इज योर NCERT. ठीक है, सो ये अर्बन लाइवलीहुड जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी को मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ. सो लेट मी टेक यू कि हम लोगों ने कहाँ पे लीव आउट किया. ठीक है, हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेज विच आर नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन. अब मैं चाहती थी कि मेरे जो ड्रेसेज पे जरी का काम हो जाए, क्योंकि मुझे एक स्पेशल ओकेजन पे उस ड्रेस को चाहिए था. माई कजिन सेड दैट शी नो निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री. मेरी कज़न ने कहा कि मैं निर्मला को जानती हूँ जो कि गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करती है. निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयड्री. निर्मला के जो नेबर्स थे वो जरी का काम और एम्ब्रॉयड्री करते हैं. सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया. तो हम लोगों ने बस ली और हम लोग फैक्ट्री के एरिया की तरफ गए. द बस वॉज रियली क्राउडेड. बस काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी. एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन सीम टू गेट ऑफ. अब हर स्टॉप पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जा रहे थे और बाहर तो कोई जा ही नहीं रहा था बस से. पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स. लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे अपनी ज़्यादा जगह बनाने के लिए. माई कज़न गाइडेड मी टू कॉर्नर सो दैट वी वोंट गेट स्क्वैश. मेरी कज़न ने मुझे कॉर्नर में खड़ा कर दिया ताकि हम लोग को कोई स्क्वैश ना कर दे. आई वॉन्टेड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस इन एवरी डे. मैं ये सोच रही थी कि सारे लोग कैसे रोज रोज से ट्रैवल करते हैं. एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया में पहुंची, लोग उससे उतरने लगे. वी ऑल्सो गॉट अ सून एट अ क्रॉसिंग. हम लोग भी एक क्रॉसिंग पे उतर गए. व्हाट अ रिलीफ दैट वाज. क्या रिलीफ था वो. देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग. अब एक लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे लोग वहाँ पे रेलिंग्स वगैरह बैठे थे, ग्रुप से बैठे थे क्रॉसिंग पे. दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन. वो किसी का इंतजार कर रहे थे शायद. सम ग्रुप्स आर पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम. कुछ ग्रुप्स थे जो कि लोग स्कूटर वगैरह पे खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे. माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. मेरी कज़न ने कहा कि इसको हम लोग लेबर चौक कहते हैं. दीज वर डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मेसॉन्स. अब ये जो है डेली वेज के लेबरर्स है जो कि मेसॉन्स वगैरह की हेल्प करते हैं. दे डिग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट. ये लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं. पाइपलाइंस वगैरह डिग करते हैं, लोड और अनलोड करते हैं मटीरियल्स को. ठीक है, रोड्स वगैरह को बनाते हैं. तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी. सिटी में इस तरीके के हजारों वर्कर्स हैं. वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ अ स्मॉल वर्कशॉप. जैसे हम लोग फैक्ट्री एरिया पहुंचे तो वहाँ पे छोटी छोटी वर्कशॉप्स के बहुत सारे एरियाज थे. देयर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम. ऐसी रोज थी जिनकी कोई सीमा ही नहीं थी. इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स वेयर क्लोथ वॉज बीइंग स्टिच्ड. अब एक छोटे से रूम में हम लोगों ने देखा कि लोग स्विंग मशीन पे काम कर रहे हैं जिसमें कि वो लोग कपड़े को सिल रहे हैं. वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन. एक पर्सन एक स्विंग मशीन को ऑपरेट करते थे. क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर सैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम. कपड़े जो कि स्टिच होते जा रहे थे उनको कमरे की एक साइड पर रखा जा रहा था. वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट. हम लोगों ने निर्मला को लोकेट किया वहाँ पर स्टिचिंग. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. वो मेरी कज़न से मिलकर खुश थे और उसे प्रॉमिस किया कि वो जरी वर्क करवा देगी मेरी ड्रेस पे. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट. एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट है उसमें निर्मला एज अ टेलर काम करती है. द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्री. जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वो फैक्ट्री लोगों के लिए फॉरेन कंट्रीज USA, UK, जर्मनी, नीदरलैंड्स इन सब के लिए कपड़े बनाती है. वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. वर्कर्स जैसे निर्मला है तो उसको बहुत काम करना पड़ता है दिसंबर से लेके अप्रैल तक का. अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9, फिनिशेस ओनली बाय 10 PM. एक नॉर्मल जो वर्किंग डे होता है रोज सुबह 9 बजे चालू हो जाता है, रात में 10 बजे ख़त्म होता है. समटाइम्स कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाता है.
वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है. एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू. कई बार ऐसा होता है कि अगर अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए होती है तो संडेज को भी काम कर लेती है. निर्मिला को ₹280 एक दिन का मिलता है और ₹100 एक्स्ट्रा मिलता है लेट काम करने के लिए. बाय द जून इज ओवर द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ. जैसे ही जून होता है तो फैक्ट्री का काम खत्म हो जाता है, वो अपना स्टाफ को रिड्यूस कर देती है. निर्मिला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव. निर्मिला को भी छोड़ने को कहा जाएगा. फॉर अबाउट 3 to 4 months इन द ईओ देयर इज नो वर्क फॉर, उसके लिए अगले 3 से 4 महीने कोई काम नहीं होगा. मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मिला आर एम्प्लॉयड इन वॉट इज नोन एज कैजुअल बेसिस. निर्मिला के तरीके बहुत सारे ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को वो हायर करते हैं जिसको बोलते हैं कैजुअल बेसिस पे. ठीक है, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एंड कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम. मतलब वो ऐसे होते हैं कि उन्हें आना पड़ता है, जब एम्प्लॉयर को जरूरत होती है तब वो आते हैं. दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स. कुछ सीजन्स पे जब एम्प्लॉयर्स के पास ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं तब उनको एम्प्लॉय कर लिया जाता है. At other times of the year, they have to find some other work. और बच्चे कुछ जो समय होता है उसके लिए उन्हें कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ता है. Jobs like Nirmala's are not permanent. जैसे निर्मिला के जॉब है वो परमानेंट नहीं है. If workers complete about their pay or working conditions, they are asked to leave. अगर कोई वर्कर अपने पे या फिर वर्किंग की कंडीशन को लेकर कंप्लेन करता है तो फिर उनको वहाँ से छोड़ने के लिए कह दिया जाता है. There is no job security or production if there is ill treatment. कोई भी जॉब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं है अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स. इवन बहुत ही लंबे समय के लिए उन्हें काम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट्स वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच शिफ्टिंग लास्टिंग फॉर 12 आवर्स. जैसे कि ये क्लोथ की मिल जो मिल है वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो सुबह और रात 2 शिफ्ट में काम करते हैं और हर एक शिफ्ट 12 घंटे की होती है. वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स. एक वर्कर एक मशीन के लिए 12 घंटे तक काम करता है और फिर वही जो है वो अदर पर्सन को रिप्लेस कर दी जाती है अगले 12 घंटे के लिए. ठीक है. ऑफिस एरिया. मेरी आंटी सुधा जो है वो वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर. वो एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करती है. शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30. उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस 5:30 तक पहुंचने को. वी थॉट वी डिड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर ऑन टाइम. हम लोग को लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे इसलिए हम लोगों ने एक ऑटो रिक्शा ले लिया और उससे हम लोग वहाँ पे टाइम पे पहुंच गए. हर ऑफिस वॉज एन एरिया विच वॉज सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स. उनका ऑफिस एक ऐसे एरिया में था जिसमें बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी. देर वर हंड्रेड ऑफ पीपल कमिंग आउट. वहाँ बहुत सारे लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि वहाँ से बाहर आ रहे थे. सम हेडेड फॉर द कार पार्क व्हाइल अदर वेंट टुवर्ड्स अ रो ऑफ बसेस. कुछ कार पार्किंग की तरफ गए और कुछ लोग बसेस की जो रोज वगैरह थी उसकी तरफ चलते चले गए. माय आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स. मेरी आंटी जो है वो एक कंपनी मार्केटिंग मैनेजर हैं जो कि बिस्किट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है. द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी. अभी जिस फैक्ट्री सिटी के बाहर है. शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. वो 50 सेल्स पर्सन के वर्क को सुपरवाइज करती देखती हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स पे जाते हैं सिटी के आइटम्स को सेल करने. दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम. उनको शॉपकीपर्स से ऑर्डर्स मिलते हैं और उनसे पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं. शी हैज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 regions एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल पर्सन ऑफ ईच रीजन. उन्होंने सिटी को 6 regions में डिवाइड कर दिया है और हर हफ्ते वो सेल्स पर्सन हर एक रीजन के एक सेल्स पर्सन से मिलती है. शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम दे फेस. वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को चेक करती हैं और जो भी प्रॉब्लम उनको फेस होती है उनको डिस्कस करती हैं. शी हैज टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. उनको सेल्स वगैरह को प्लान करना होता है पूरी सिटी में और कभी कभी देर तक भी काम करना पड़ता है और अलग अलग प्लेसेस पर ट्रैवल भी करना पड़ता है. शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ. हर महीने उनको रेगुलर सैलरी मिलती है एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी. और वो एक परमानेंट वर्कर है. शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो अपनी ये उम्मीद करती है उनकी जो जॉब है वो लंबे समय तक के लिए चलेगी. बींग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग.
अब परमानेंट वर्कर के और भी अदर भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सेविंग्स हो जाते हैं ओल्ड एज के लिए, ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट, उनकी जो सैलरी का जो पार्ट है वो एज अ फंड रखते हैं गवर्नमेंट के साथ, शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग्स, उनको अपनी सेविंग्स पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, जब वो रिटायर हो जाएंगे इस जॉब से तो उसके बाद उनको मनी मिल जाएगा और वो उस पर रह सकती हैं, हॉलीडेज शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, उनको संडेज और नेशनल हॉलीडेज पे छुट्टी मिलती है, शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, कुछ एनुअल लीव्स भी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली, हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसिस अप टू सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स, जो कंपनी होती है मेडिकल के लिए जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो एक अच्छे अमाउंट तक के लिए पे करती हैं अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, शी गेट्स मेडिकल लीव इफ शी फॉल्स इल एंड द सैलरी इज नॉट कट इफ शी टेक्स द लीव, वो मेडिकल लीव मिल जाती है अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इसके लिए उनकी सैलरी नहीं कटती है, ठीक है। देर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसर्स फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं सिटी में जो कि ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और वो रेगुलर परमानेंट वर्कर्स होते हैं, दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो सेम ऑफिस फैक्ट्री को रोज जाते हैं, देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनका जो काम है वो एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है, दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको एक रेगुलर सैलरी मिलती है, अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनके तरीके उनसे फैक्ट्री लीव करने को नहीं कहा जाएगा अगर उनके पास ज़्यादा काम नहीं है तो। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार एग्जॉस्टेड, और दिन के आखिरी में हम अपनी आंटी के कार में बैठ के जाके थक के, बट इट हैड बीन सो मच फन, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, और मैंने सोचा कितना इंटरेस्टिंग होता है कि इतने सारे लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं सिटी में, दे हैव प्रोबेबली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ, प्रोबेबली वो लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं लेकिन उनका जो काम है वो हेल्प करता है उन सब लोगों को एक साथ टाई अप करने का और एक सिटी लाइफ को मेकअप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिटी के बारे में ये सारी जो भी डिस्कशंस थे, किस तरीके से लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ऑफिसर्स में काम कैसे होते हैं, परमानेंट वर्क क्या होते हैं, कैजुअल वर्क्स क्या होते हैं, रही तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, चलते हैं, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।